This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ji kya hal hai aap sabka theek hai? Shuru Allah ke naam se jo bada meherban aur nihayat rehm wala hai. Aap sabko SEO experts training ke is 24th batch ke lecture number 3 mein khush aamdeed kehta hoon aur umeed karta hoon ki aap logon ko पहले दो लेक्चर्स में जो कॉन्सेप्ट समझाया, बेसिक SEO के जो थ्योरी थी उसके बारे में आप लोगों को बताया, SEO इम्पोर्टेंट क्यों है, रैंकिंग फैक्टर क्या होते हैं, जो मैंने थ्योरेटिकली जो मैं समझा सकता था वो मैंने पहले लेक्चर में समझाया. देन आप लोगों को सेकंड लेक्चर में मैंने बड़ा डिटेल में बताया मोनिटाइजेशन के बारे में, कीवर्ड क्या होता है, गोल आपने कैसे सेट करना है. और माशाल्लाह आज थर्ड लेक्चर है और कल तक मैं आप में से तकरीबन 25% स्टूडेंट्स की असाइनमेंट चेक कर चुका हूं, जो कि बेहतरीन है. बनाने का तरीका आता है, काम आप लोगों का करने का दिल कर रहा है और इसी वजह से आप लोगों ने इस SEO के इस सेशन को, ऑनलाइन सेशन को, 24वें बैच को ज्वाइन किया है. आप लोगों को मैंने बताया इस कोर्स में आप लोगों को मोनेटाइजेशन जो सिखाऊंगा वो फिर एडसेंस होगा, ई कॉमर्स स्टोर होगा, क्लिक बैंक होगा, अमेजोन होगा एंड CPA होगा. अच्छा, जो गूगल एडसेंस का जहां से स्टार्ट कराया, फिर आप लोगों को नीच का आइडिया दिया, इवन फिर उमर ने नीच की एक फाइल भी शेयर की, मैंने भी शेयर की, उमर ने भी शेयर की, वो आप लोगों की मजीद हेल्प हो गई. तो इस तरह एक दूसरे की हेल्प करके आप लोगों ने आगे की तरफ चलना है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आप लोगों को जो असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 1 थी वो बिल्कुल बेसिक असाइनमेंट थी, ठीक है. और इसके अलावा आप लोगों को बताया कि नीच के अंदर रहते हुए आपने 100 कीवर्ड्स निकालने हैं और उसी वही असाइनमेंट जो है आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है, मुझे शो करवानी है. आप लोगों को बड़ी बेहतर तरीके से समझ आ गई. आज हमारा मजीद नीच फाइंड करने का तरीका क्या है, ओके. वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? अच्छा, आप लोगों के जहन में जो जो सवाल होगा वो आप लोगों ने लेक्चर के स्टार्ट में ही पूछ लेना है, ताकि प्रीवियस जो मैं लेक्चर डिलीवर करता जाऊंगा वो आप लोगों का क्लियर होता जाए. आप लोगों को जो नीच का आइडिया निकालने का तरीका बताया मैंने, एक डीप कैटेगरी मेथड बताया, आपने खुद से कुछ सोचा हुआ था कि कभी आप साइट बनाओगे या आप ऑनलाइन एक प्रॉपर मार्केटिंग सीखोगे, जैसे कि आप इस कोर्स में इनरोल हुए हो, तो वो आपने फिर कैसे उसको लेके चलना है, तो वो आपने नीच का आइडिया आपके पास मौजूद होगा पहले से, या आप बिल्कुल कोई समझ नहीं है, कुछ पता नहीं आपने किस तरह काम स्टार्ट करना है. तो आपको जो फाइल शेयर की गई है उनको जो है यूज करते हुए आपने अपनी जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करनी है, और जो बंदा असाइनमेंट कंप्लीट करेगा SEO की उसी को प्रॉपर समझ आएगी, ये मैं यहाँ पर बताता चलूँ. अदरवाइज आपको SEO की समझ नहीं आएगी, चाहे आप पहले से SEO कहीं से सीख रहे थे, यूट्यूब से देख रहे थे, वट एवर जो भी था. मैं इस कोर्स में आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आपने इस कोर्स से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है, अपने आप को आपने ज़ीरो पर रखना है. अगर आप अपने आप को ये कहो कि आप ऑलरेडी जो है वो एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हो, फिर आप जस्ट थर्ड मंथ की चीज़ों को देखोगे. क्योंकि होता क्या है, जब आप ऑलरेडी ये चीज़ समझने लग जाते हो ना कि आप ऑलरेडी आपको काम आता है, तो आपको मेरा सिखाया हुआ फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है. आपको लगेगा कि जैसे मैं कोई है वो कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, या ये SEO ऐसा है, होता नहीं है.
बेसिकली जैसे बिजनेसमैन होते हैं, हर बिजनेसमैन का काम करने का तरीकाकार अलग होता है, ऐसे ही मार्केटिंग करते हैं हम, वेबसाइट बनाते हैं, हर बंदे का वेबसाइट बनाने का तरीकाकार अलग होता है। मैं सादा अंदाज में समझाता हूँ, आपने जो सीखा होगा वो देखा होगा कि चीजों को बखेर के समझाते हैं, मैं बिखेर के नहीं समझाता, मैं चीजों को बड़ा सादा अंदाज में समझाता हूँ। इसी वजह से जो न्यूबीज होते हैं वो ज्यादातर SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे और ज्यादा कामयाब नजर आएंगे, SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, और कामयाब नजर आएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं कि जो कंपेटिटर, जो नीच सिलेक्शन है वो कंपेटिटर एनालिसिस से कैसे हम लोग करेंगे। जी 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 फरहान, जो आप लोग नीच सिलेक्ट करोगे ना, हाँ जी, उसी पे साइट बनाएंगे। तो नीच जब तक आप लोगों की सही नहीं होगी ना, तब तक मैं ओके नहीं करूंगा। मेरी बात समझ आ रही? जब तक आप लोगों की नीच सही नहीं होगी, मैं ओके नहीं करूंगा, और मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप लोग ऐसी साइट बनाओ जो नाकाम हो। मैं हमेशा आप लोगों को वो चीज रेकमेंड करूंगा जो कामयाबी की तरफ आप लोगों को लेके चले, ठीक है? होप तो आप लोगों ने जो कोर्स का इस दफा का आउटलाइन है वो पढ़ी होगी, जिसमें कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हर उस स्टूडेंट को फुल पेमेंट वापसी मिलेगी जो इनरोल करेगा, या कह लो कि जो उस प्रोजेक्ट को लेके चलेगा जो कि ई कॉमर्स का जो है स्टोर बना के चलेगा, और जो जो प्रोडक्ट्स दी जाएंगी उनको रैंकिंग करवाएगा, एटलीस्ट 50 प्रोडक्ट को, 150 प्रोडक्ट्स दी जाएंगी, उनमें से एटलीस्ट 50 प्रोडक्ट को जो रैंकिंग में लेकर आएगा, मैं सारा आप लोगों को बताऊंगा कि रैंकिंग में प्रोडक्ट कैसे आती है, क्यों आएगी, कैसे आपने करवानी है। तो उसको एक तो प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, ऊपर से आपको फायदा ये होगा कि आप उसके बाद अपने अपना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो इस कोर्स के बाद, बड़ा आपके लोगों के लिए आसानी होगी, ठीक है? तो ये इस दफा का जो बैच है, 24वां बैच है, ये एक्सक्लूसिव बैच है और स्पॉन्सर्ड बैच है, बेसिकली स्पॉन्सर्ड, ठीक है? इसके लिए आप ये कह सकते हो कि 15 लाख की इन्वेस्टमेंट एक कंपनी ने ऑलरेडी की है और वो पूरा खर्चा बर्दाश्त करेगी आप लोगों का, आप SEO एक्सपर्ट बन सकते हो, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं है, ठीक है? और आप लोगों ने जो टाइम उसको वेस्ट नहीं होने देना, जो असाइनमेंट बताऊंगा उसको आप लोगों ने प्रॉपर वक्त पे बनाना है। SEO के दौरान मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूं कि पेशेंस जरूरी है। अगर आप ये को आप आज साइट बनाते हो, 15 दिन बाद आपकी वेबसाइट इतनी ऊपर चली जाए कि जितनी ऊपर आज से 3 साल पुराने वाली साइटें पड़ी हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च करवाता हूँ, उर्दू, जस्ट उर्दू, ठीक फॉर एग्जाम्पल मैं ये कीवर्ड सर्च करता हूँ, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझने, कॉन्सेप्ट है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं उर्दू पोएट्री का कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, अब यहाँ पर आ रही है हमारी वेब। अब हमारी वेब को अगर आप हमारी अब फॉर एग्जाम्पल उर्दू पॉइंट रजिस्टर हुई है जी सन 2000 में, और हम देख रहे हैं हमारी वेब। बाय द वे ये एक ऐसा टूल है
हु डॉट इज और इस तरह के और भी बहुत सारे टूल हैं जिसके जरिए हम किसी भी डोमेन की रजिस्ट्रेशन को देख सकते हैं कि कोई डोमेन कब रजिस्टर हुई। हमारी वेब डॉट कॉम 2006 में रजिस्टर हुई, ठीक है। अब आप ये कहो कि आप 2020 में काम करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल उर्दू पोइट्री के कीवर्ड पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आप हमारी वेब को 15 दिन में या 1.5 महीना में या 3 महीना में बीट कर दोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइम लगता है, समझना है चीजों को, टाइम लगता है। हम व्हाइट हैट एसईओ कर रहे हैं, हम ब्लैक हैट एसईओ नहीं कर रहे कि 10-15 दिन साइट खड़ी रहेगी उसके बाद चाहे गायब होती हो तो गायब हो जाए, ऐसा हम नहीं करने जा रहे। ये बात कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझना है कि मैं जो बता रहा हूँ, समझ आ रही मेरी बात की, क्लियर है यहाँ तक सारा? आप लोगों ने अपने पास ये चीज नोट करनी है कि मैं क्या, पेशेंस जरूरी है, टाइम लगता है, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, तब जाके आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कहो कि कोई यहाँ पर जादू का चिराग हम रगड़ेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक करना शुरू कर देगी। प्रॉपर एक प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा, समझ आ रही है? तो वो प्रोसेस क्या है, वो यही है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा। अच्छा, नीट सिलेक्शन का आप लोगों को दो तरीका कार मैंने बताया लास्ट सेकंड लेक्चर में, बताया कि डीप कैटेगरी मेथड, जो कि आप लोगों के साथ कि डीप कैटेगरी मेथड यानी कि जो फाइल शेयर की वहां से आप आइडिया ले लो अगर आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, या आप इन दोनों में से कोई एक पे भी आप यानी कि लेकर चल सकते हो, या आपने कभी सोचा हो कि मैं प्रॉपर एसईओ सीखूं, मार्केटिंग सीखूं और उसको मैं इंप्लीमेंट करके उसको रैंकिंग में लेकर आऊंगा अपने उस प्रोजेक्ट को, तो ये दोनों में से कोई भी आप नीच आपने सेलेक्ट करनी थी वो आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से सेलेक्ट कर सकते थे। अब हम आज बात करेंगे कंपेटिटर एनालिसिस मेथड, मैंने ये जो बताया ये क्या चीज है इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जस्ट। जी, कंपेटिटर एनालिसिस मेथड क्या है? कंपेटिटर एनालिसिस मेथड कहते हैं बेसिकली ऐसे मेथड को, मैं कहता हूं वी विल डुप्लीकेट इट, रेप्लीकेट इट, कॉपी इट, कुछ भी आप इसको नाम दे दो, हम उसको कॉपी करेंगे, हम उसको एक तरह से कह लो चोरी करेंगे, हम उसको कह लो कि उस तरह का एक प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। ये कोई दो नंबर तरीका कार नहीं, मैं जस्ट लफ्जों की हेरा फेरी कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने समझना ये क्या है, बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जाम्पल, और मतलब मैं एक कोई लॉन्ग टर्म काम करना चाहता हूँ, मैं भी खाऊं मेरे आने वाले मतलब बच्चे भी खाएं, तो मैं जब कोई ऐसा काम करना करने का सोचूंगा तो मैं प्लानिंग करूंगा, लाइक मैं कहीं पेपर वर्क करूंगा, मशवरा करूंगा, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ में आती है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सीमेंट की फैक्ट्री बना लूँ मैं, अब सीमेंट की फैक्ट्री मैंने बना ली है, फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान लेवल पे बात करें सीमेंट फैक्ट्री में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइफ लाइफ जो हमारी जिंदगी होती है, जो हमारी असल जिंदगी होती है उससे, ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री में बनाने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि हमें अपनी मार्केट को देखना पड़ेगा, ठीक है, हमें अपनी मार्केट देखनी पड़ेगी कि मार्केट में क्या चल रहा है, लाइक सीमेंट की फैक्ट्री जिन्होंने जिन्होंने बनाई है मैं कंपेटिटर्स की लिस्ट बना लूंगा, ठीक है, जिस लिस्ट में कंपेटिटर्स कौन से होते हैं, कंपेटिटर कहते हैं किसको हैं, जो ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे होते हैं, दीज आर कॉल्ड बेसिकली कंपेटिटर्स, नॉट एनिमीज, ठीक है। कंपेटिटर के वर्ड में और एनिमी के वर्ड में बड़ा फर्क होगा, ये ध्यान में रखना आप लोगों ने, एनिमी होता है जो दुश्मन होता है, कंपेटिटर वो होता है जो सेम बिजनेस कर रहा होता है। इस टर्म का आप लोगों को समझ आ गई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ आ रही है? अच्छा, जैसे डीजी सीमेंट, डीजी सीमेंट, ठीक है, अस्करी सीमेंट, ठीक है, ये सारे मेरे कंपेटिटर्स हैं, समझ आई है मेरी बात की? जी, सबको आवाज आ रही है, सिर्फ अभी तक आकिब की तरफ से रिप्लाई आता है,
बाकी कोई जवाब नहीं दे रहा। क्यों भाई, आप लोगों को वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर नहीं है? जो मैं बता रहा हूँ नहीं समझ आ रही मैं क्या बता रहा हूँ? बाकी लोग किधर हो? ओके फाइन, ठीक है। मैं बेसिकली आप लोगों की अटेंशन लेना चाह रहा हूँ कि मैं जो आप लोगों को बात समझा रहा हूँ, कंपेटिटर क्या होते हैं, ठीक है? कोई काम हम शुरू करने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान के मुताबिक हम काम करते हैं, और वो प्लान में ये होता है कि जो जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं वहां से आइडिया लिया जाए, गेट एन आइडिया, ठीक है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनी और पर्सन, ठीक है, जो वो काम सेम काम बेसिकली कर रहे होते हैं। मैं कॉन्सेप्ट ये आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, कंपेटिटर्स क्या होते हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है? कंप्लीट ठीक है। हमारा एंड पॉइंट क्या होगा? हमारा एंड पॉइंट है विनिंग कीवर्ड्स। विनिंग कीवर्ड्स, विनिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। कीवर्ड्स ऑन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, विनिंग कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स को कहा जाता है जिनको हम इस्तेमाल करके उनको आर्टिकल उन पे लिखवा के हम अपनी वेबसाइट में उनको पब्लिश करेंगे, ताकि गूगल से ट्रैफिक आए और हम उस ट्रैफिक का फायदा उठाएं। समझ आ रही है? तो हमारे जो कीवर्ड होंगे, यानी कि विनिंग कीवर्ड होंगे, ऐसे कीवर्ड होंगे जिन पे हम आर्टिकल लिखवाएंगे, बेसिकली जिन पे हम जिनको हम अपनी वेबसाइट में आर्टिकल लिखवा के पब्लिश करेंगे, उन वर्ड्स को या उन कीवर्ड्स को हम विनिंग कीवर्ड्स बोलेंगे, ठीक है? वो अभी हम कहाँ से निकालने जा रहे हैं, वही उसी की तरफ हम लोग चल रहे हैं। मैं आप लोगों को थर्ड मेथड बता रहा हूँ, नीच सिलेक्शन का थर्ड मेथड, के हमने नीच कैसे सेलेक्ट करनी है। बेसिकली हमारा जैसे मेन मेन पॉइंट या मुद्दा जिसे बोलते हैं वो क्या है, वो यही है, ठीक है? अच्छा, वो हम कैसे करेंगे या कैसे मार्केट के ऑलरेडी आइडियाज को कैसे हम लोग देख सकते हैं, एक साइट है, एक फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, Flipkart.com एक बाइंग एंड सेलिंग की वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है? ये क्या करता है, ये बायर और सेलर को मिलाता है और अपना कमीशन लेता है बीच में से, ठीक है? जैसे जमीन डॉट कॉम है, समझ आ रही है, जैसे ओएलएक्स डॉट कॉम है, हम पाकिस्तान की बेस पे अगर बात करें तो ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम वेबसाइट खरीद भी सकते हैं, जहां पर हम वेबसाइट बेच भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज का आइडिया लेना होता है, तो आपको हमें कोई कोई नए प्रोजेक्ट का, नए बिजनेस का, नई वेबसाइट स्टार्ट करने का, नीच का आइडिया लेना है, तो हम इस प्लेटफॉर्म को, फ्लिपकार्ट को यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें फ्री अकाउंट बना लेना आप लोगों ने, और आज नेट बहुत स्लो था, जिस वजह से टोटली नेट से दूर रहना पड़ा है और बड़ी मुश्किल से नेट जो है वो कनेक्ट हुआ है। अच्छा, ये जो है यूआरएल, ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए, हमने flipkart.com पे ऐसी साइटों को ढूंढना है जो जस्ट सोल्ड हो, जस्ट सोल्ड, ठीक है? जस्ट सोल्ड मींस रिसेंटली सोल्ड, अभी ताजा ताजा बिकी हो। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेजी,
अच्छा जी, ये सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि कोई वेबसाइट, जब वेबसाइट सेल होती है बेसिकली फ्लिपा पे, तो वो हमें कैसे वहां से आइडिया मिलेगा कि इसकी क्या नीच है। बेसिकली हम जो एसईओ करने वाले लोग हैं, हमें अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। अपना दिमाग आप लोगों ने पहले इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया, तो इस अब आप लोगों को अपने दिमाग को खोलने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि हर बंदे के अंदर एबिलिटी होती है कि वो कामयाब हो सके। वही आप लोगों को इस ट्रेनिंग में, आप लोगों के सातों तबक रोशन होंगे। वो कैसे भला, वो अभी आप लोगों को आगे समझ आएगी, क्योंकि इस काम को करने के लिए दिमाग का हाजिर रखना बहुत जरूरी है। प्लस आप लोगों की फिर अर्निंग भी उस हिसाब से हो रही होती है। जो ज्यादा अर्निंग कर रहा होता है, वो ये नहीं होता कि वो उसको अल्लाह ताला खुद ही दे ही जा रहा है। उस बंदे ने मेहनत की होती है, उसने अल्लाह ताला से मांगा होता है, तो उसने फिर मेहनत भी की होती है। ऐसे नहीं होता कि हर बंदे को अल्लाह ताला ऐसे ही दे जा रहा है। मेहनत करने से चीज मिलती है, बगैर मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है, जैसे हमें ये इसका प्लेटफॉर्म पता चला। अब मैं आप लोगों को कंपेटिटर एनालिसिस से समझाने जा रहा हूँ कि कैसे आपने नीच का आइडिया आपको मिलेगा, कंपेटिटर एनालिसिस। साइट नेम, ठीक है, microveggie.com, ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ टॉप पे नजर आ रहा, माइक्रोवेज। ठीक है, होम एंड गार्डन, ठीक है, उसके अंदर होम एंड गार्डन मेन कैटेगरी है इनकी। ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने सब नीच चूज की होगी, आई थिंक सो वेजी की होगी। ठीक है, इसको हम फर्दर देखेंगे क्या है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने प्लेटफॉर्म जो यूज किया वो है वर्डप्रेस। मैं बड़े सादा अंदाज में समझा रहा हूँ, इसको आप लोगों ने समझना है। जो इसका प्लेटफॉर्म बनता है वो है वर्डप्रेस। साइट एज, किसी भी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसमें वेबसाइट का जो एज है उसका बड़ा किरदार है। जैसे कि आज का लेक्चर मैंने स्टार्ट किया, आप लोगों को मैंने स्टार्ट में बताया कि आप लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट रैंक करना है उसके लिए पेशेंस जरूरी है। और कभी भी आप ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी को आप लोग 15 दिन में, 2 महीना में या 3 महीना में रैंक करके साइट पर हो जाओगे। स्लो स्लो आपकी वेबसाइट जगह बनाएगी, स्लो स्लो आपको 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना लगेंगे, समझ आ रही है, एक जगह बनाने में, पहले वाली साइटों को बीट करने में, हराने में। ऐसा एसईओ में नहीं होता कि यहाँ पैसे लगाते जाओ और आपकी वेबसाइट जो है दिनों में जो है वो रैंकिंग करके बड़ी बड़ी साइटों को पीछे छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। साइट एज 2 ईयर, इसको हम यहाँ से भी, एज को यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे, जो मैंने आप लोगों को बताई थी हु डॉट इज से। ठीक है, इसकी साइट की एज को चेक कर लेंगे। दो हजार 18 में ये वेबसाइट जो है वो स्टार्ट हुई, 18 में स्टार्ट हुई, तो 2 साल हो गए, 2 ईयर्स। ठीक है,
जी ये फ़ॉन्ट सही नजर आ रहा है, मतलब टेक्स्ट वगैरह सही नजर आ रहा है। आकिब चेंज करते तो नीच को। ओके हमने यहाँ पर इसका ठीक है। ओके हमने इसकी जो है प्लेटफॉर्म एज नेट प्रॉफिट अब होता क्या है, जैसे फ्लिपा है यहाँ पे जो वेबसाइट सेल होने के लिए आती हैं उनका कट्टा छटा खुल जाता है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर जो नया बायर है उसको पूरी डिटेल देना जरूरी है। अगर वो नहीं देगा, पहले वाला जो ऑनर है वो नहीं डिटेल देगा, तो उसकी वेबसाइट सेल नहीं होती। हम एसईओ करने वाले इस चीज का फायदा उठाते हैं और वो जो उसकी पूरी डिटेल होती है उनको यूज करते हुए हम भी एक सेम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। समझ आइए, आइडिया समझ आया कि नीच कैसे हमें यहाँ से मिलती है, प्रोजेक्ट का कैसे आइडिया हमें होने लगे, समझ आ रही है मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो वो क्या करता है, वो पूरी खीर जो होती है ना खीर, उसका हमें यहाँ से आइडिया हो जाता है कि कोई वेबसाइट अगर यहाँ पर इतनी महंगी सेल हुई है तो हम भी सेम प्रोजेक्ट लॉन्च करके कुछ अरसा पैसे कमा के, लाइक 2 महीना 3 महीना पैसे कमा के, उसके बाद हम भी फ्लिपा या एम्पायर फ्लिपर्स एक और प्लेटफॉर्म है, इन दोनों में से किसी पे भी सेल कर देंगे और हमें यकमुश्त पैसे मिल जाएंगे। मकसद क्या है वेबसाइट को बना के रैंक करवा के उससे अर्निंग करने का, आपका क्या मकसद है मुझे जरा चैट में टाइप करके बताओ। हाँ जी हर बंदा बताए जरा, पैसिव इनकम या शॉर्ट टर्म आपने स्ट्रेटेजी के जरिए उसको करना है लेके चलना, जैसे फ्लिपा दिखाया है आपने बताना है। जी मंथ बाय मंथ इनकम या एक ही दफा में बड़ी कीमत में बेच दिया जाए, जैसे ये वैसे $285 बना रही थी बट कितने की सेल कर दी उसने, $16,000 की, कितने की सेल कर दी, अच्छा ये मुझे बताओ, $285 जरा 160 करो, फिर 16,000 जरा 160 करो, जल्दी जल्दी करो, पाकिस्तानी कितना बनता है। जी बिल्कुल हैंडल तो आप कर सकते हो बट आपके पास जब यकमुश्त पैसे आते हैं वो आप बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, मैं पूछना चाह रहा हूं। जैसे आप लोगों को सेकंड लेक्चर में आइडिया दिया, जब एक दफा आप साइट लॉन्च कर सकते हो तो दोबारा नहीं लॉन्च कर सकते। $45,600 हुआ, हाँ, और पहले वाला कितने का हुआ, ये $16,000 कितने बना, तकरीबन 22 लाख बना। हाँ जी 45 लाख बनता है, तकरीबन 22 से 24 लाख बनता है, आई थिंक सो, शोएब 45 लाख नहीं बनता, आई थिंक सो 22 से 24 लाख बनता है, ठीक है। अब आप ये देखो 45,000 मंथ पर मंथ दे रही साइट और तकरीबन कितने मंथ देती रही, अब आप यहां पर ये देखना, यहां पर ये जिसने फ्लिपा को समझ लिया ना आज, उसके लिए जिंदगी आगे आसान है, मैं बताता जा रहा हूँ यहाँ पे, समझो चीजों को, मैं एक एक पॉइंट का कहा है कि आपने चीजों को समझना है। हर बंदा यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेने आया है आखिर उसका कोई ना कोई मकसद है, आपने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या आप किसी क्लाइंट की साइटों पर काम करने जा रहे हो, समझ आ रही है मेरी बात, कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, समझो बात को मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, इसको ठंडे दिमाग से सोचना। यहाँ पर हर बंदा जो कोर्स में इनरोल हो रहा हुआ है या आगे होगा अपकमिंग डेज में, उसका मकसद है पैसा कमाना, रैंकिंग सीखना प्रॉपर, वेबसाइट लॉन्च करके उसको रैंक करवाना, कीवर्ड्स को कीवर्ड निकालना, कंपेटिटर एनालिसिस बहुत जरूरी है, ये जो आज का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। ये वेबसाइट ये देखो पर मंथ का June 19 में 4,911 यूजर आए, यूनिक यूजर, और
पेज व्यूज हुए 13,000, इस तरह ये स्लो स्लो बढ़ता गया, ये 22,000 पे आ गया। इसी तरह अर्निंग की बात करें तो जब जब यूजर था तकरीबन ऑलमोस्ट 5,000, तो अर्निंग थी पर मंथ की $97, फिर 147 हुई, फिर 94, फिर 148, 247, इस तरह एवरेज जो निकाला वो 285 डॉलर पर मंथ का एवरेज निकला। ठीक हो गया, तो एवरेज जो निकला अर्निंग का वो 285 डॉलर पर मंथ का निकला, कि इतने पर मंथ हुए। अब ये हर महीने कमा रही थी वेबसाइट, इसी वजह से ये सेल हुई है। ये देखो जून 19 से चलती गई चलती गई चलती गई, और मई तक उसने अर्निंग अपनी प्रूफ मतलब दे दिया, और एडसेंस को अटैच करके, ये वेरीफाइड एडसेंस से मुराद होता है कि एडसेंस के जरिए फ्लिपा ने खुद वेरीफाई किया होता है। ये बंदा अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बताता कि मैंने कितनी अर्निंग की है, ये एडसेंस के साथ अटैच किया जाता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है, देन एडसेंस से ये अर्निंग शो होती है यहाँ पे, समझ आ रही है, रिपोर्ट्स में से शो होती है। इससे हम एसईओ करने वालों को क्या फायदा होता है, हमें पता चलता है कि इसमें इतनी इतना पोटेंशियल है इस नीच के अंदर। ठीक है, आई क्रिएटेड माइक्रोवेज कपल इयर्स इन 2018, आई रोट 30 आर्टिकल्स, सिर्फ 30 आर्टिकल्स वाली ये वेबसाइट है। क्या हम 30 आर्टिकल्स भी नहीं लिख सकते अपनी वेबसाइट के लिए? 30 आर्टिकल्स नहीं लिख सकते हम लोग, वो कह रहे हैं। उसके बाद मैंने साइट को टच भी नहीं किया, नो फ्रेश कंटेंट, कुछ भी नहीं डाला, कोई पीबीएन लिंक नहीं डाला मैंने, कुछ कोई गूगल की पेनल्टी नहीं लगी। ठीक है, और एसईओ रिसर्च कंटेंट है, यूनिक आर्टिकल है, 800 से 2500 वर्ड्स के आर्टिकल है, 100+ टाइप्स ऑफ माइक्रो ग्रीन्स। ठीक है, ये 100+ टाइप्स ऑफ माइक्रो ग्रीन्स, अच्छा। उसके बाद उसने एडसेंस से एजोइक एक और जो मोनेटाइजेशन है उसको भी उसने ट्राई किया हुआ, और उसने उस पर स्विच किया है। अच्छा, वो बेच क्यों रहा है उसने वो बताया है। ठीक है, सोशल मीडिया सारा काम उसने बताया है, एडसेंस का बताया है, एडसेंस की अर्निंग का प्रूफ उसने साथ अटैच कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिकली हमें यहां से आइडिया मिला कि ये, उसके अलावा हम साइट को खोल भी लेंगे। हमें अभी तक जो सो फार हमने जो ढूंढा वह है साइट नेम, नीच, वैजी, या हम देख लेंगे इसको, ये क्या है, आया कि यही नीच है या ये कोई सब कैटेगरी है होम एंड गार्डन की, वो हमने देखनी है। माइक्रो ग्रीन्स को कैसे ग्रो किया जाता है, अब ये इसको बोलते हैं नीच। ठीक है, माइक्रो ग्रीन्स पे काम किया गया है, समझ आ रही है बात की? तो ये बेसिकली हमें यहां से आइडिया मिला कि ये नीचे होम एंड गार्डन के अंदर माइक्रो ग्रीन्स। मेरी बात आपको समझ आई, ये है नीच निकालने का एक्चुअली तरीकाकार। हमें यहां से आइडिया मिला, और अच्छा उसके बाद इस वेबसाइट के कितने पेजेस गूगल में इंडेक्स है हमने वो चेक करना है। google.com खोलना है हमने, google.com/ncr,
यहाँ गूगल डॉट कॉम पे हमारे एस आई टी साइट लिखी, माइक्रोलॉजी डॉट कॉम लिखी। इंडेक्स्ड पेजेस यानी गूगल में कितने पेजेस इंडेक्स्ड हैं, 67 ये हम देखेंगे। अच्छा रैंक हमारे, आपने ये समझना है दुनिया में एसईओ टूल्स हैं बाय रैंकिंग मेरे हिसाब से, ठीक है। मैजिस्टिक सेम रश एच रश ठीक है, ये है जी एसईओ के टूल्स। और इस कोर्स में भी आप लोगों को जो टूल पे काम सीखने को मिलेगा प्लस पे टूल की एक्सेस मिलेगी वो यही टूल होंगे, इनमें से SEMrush और AHRF पे आप लोगों को ज्यादा ज्यादा यानी कि एक्सेस मिलेगी, क्योंकि बाकी जो टूल हैं वो मल्टी लॉगिन नहीं करने देते। हमने एक जुगाड़ निकाला हुआ है मल्टी लॉगिन का, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो जब सेम टाइम पे काम करने की कोशिश करेंगे वो काम करना मतलब मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा भी सही। और इस काम को करने के लिए यानी कि जो हम SEO का काम करें इसको करने के लिए हमारे पास ये चार टूल्स में से एटलीस्ट दो टूल्स का हर वक्त अवेलेबल होना जरूरी है। मैं बताता चलूं यहाँ पे हर वक्त अवेलेबल होना जरूरी है। अच्छा आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 2 है वो है 3 5 5 जस्ट सोल्ड गूगल एडसेंस वेबसाइट्स एनालिसिस टॉप 10 एनालिसिस, जो मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में बता रहा हूँ यही आप लोगों की असाइनमेंट भी होगी। अच्छा इंडेक्स पेजेस, उसके बाद हम ISEMrush.com पे यहाँ हमने देखना है रैंक्ड कीवर्ड्स कि ये जो वेबसाइट है कितने कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है और कौन कौन सी कंट्री में रैंक कर रही है, समझना आप लोगों ने मैं क्या बताने जा रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग काम आगे हमारा होता जा रहा है, हम लोग अपने विनिंग कीवर्ड्स की तरफ चलेंगे कि कैसे हमने वो कीवर्ड्स निकाले जिन पे हमारी साइट वाकई में रैंक करेगी, वाकई में, समझ आ रही है बात की, वो हम आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पर हमारे हम जब SEO स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग सीख रहे होते हैं तो अक्सर दफा मैंने स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूज हुआ हुआ देखा है, वो क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कभी आपने ये काम नहीं किया यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कभी इस कैटेगरी पे काम नहीं किया, यानी कि आप फॉर एग्जांपल मैं एक SEO करने वाला बंदा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ फॉर एग्जांपल, मगर मैं कैसे किसी ऐसे कीवर्ड पे काम करूंगा जो डॉक्टरों या इंजीनियर से रिलेटेड होगा बेसिकली। तो हम SEO करने वालों को, आप जो SEO करने जा रहे हो आपने ये बात समझना है कि हम SEO करने वाले किसी भी टॉपिक पे काम कर सकते हैं, हमारे लिए कोई इशू वाली बात ही नहीं होगी, क्यों कि हमारे पास जो स्ट्रेटेजी होगी उसके जरिए हम दुनिया की, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ, हम दुनिया की किसी भी नीच को किसी भी कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं, उसको रैंक करवा सकते हैं। यही हमारी जॉब है, यही हमारा मकसद है SEO सीखने का। अब जैसे कि मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ माइक्रोवेजी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर आज तक कभी काम नहीं किया, मगर मैं क्यों आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, क्यों कि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ दुनिया के मुख्तलिफ नीचेस को, मैं हेल्थ इंश्योरेंस आर्ट्स कल्चर एंटरटेनमेंट और जो है आप कह लो कि लाइक उर्दू कीवर्ड्स और जो है SMS के कीवर्ड्स, लाइव टीवी चैनल के कीवर्ड, न्यूज, पता नहीं कितनी नीचे जिस पे मैं काम कर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि हमने किसी भी नीच को जब पकड़ते हैं उसको हमने कैसे जो है वो फुल टाइम बिजनेस बनाना है,
ये नहीं आपने सोचना कि फॉर एग्जाम्पल ये तो कोई खेती बाड़ी वाला काम है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो वेजी या माइक्रो ग्रीन तो कोई पौधे उगाने वाला काम है, ये तो किसी खेती बाड़ी करने वाले का काम है, तो मैं इसमें कैसे करूँ? ऐसे हमने नहीं करना। हम एसईओ करने वालों ने किसी भी नीच को जब पकड़ना है तो उसका कच्चा छट्टा खोल देना है, और वहीं से हम एसईओ करने वालों ने उस प्रोजेक्ट को लेके चलना है और उसको रैंकिंग करवा के ही दम लेना है। यही ताकत है एसईओ की, यही ताकत है मार्केटिंग की, यही चीज आप लोगों ने सीखनी है कि कैसे करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सर्च करवाया डोमेन ओवरव्यू, यहाँ पर ये कंट्री वाइज बताता है कि किस कंट्री में आपने उस डोमेन की रैंकिंग चेक करनी है, कि किस किस के कितने कीवर्ड पे वो साइट रैंक कर रही है। 1700 कीवर्ड्स पे ये साइट रैंक कर रही है, कौन सी? microvegi.com। 1 point रैंकिंग में आ रहे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद जो वेबसाइट है उसमें प्लगइन्स कौन से यूज हुए, थीम कौन सा यूज हुआ, ये सारी चीजें आपने नोट करनी, कौन सी वेबसाइट में, यही जिसको हम इसके एनालिसिस कर रहे हैं। ये देखो आप, तो ये माइक्रो ग्रीन्स प्राइस लिस्ट, माइक्रो ग्रीन्स प्राइस, टाइप्स ऑफ माइक्रो ग्रीन्स, माइक्रो ग्रीन्स लिस्ट, बेस्ट लाइट्स फॉर माइक्रो ग्रीन्स, ठीक है। ये पौधा उगाने की कोई एक साइट है माइक्रो ग्रीन्स, उसको माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो करने का कोई प्रोजेक्ट है, उसके बारे में गाइडलाइन दी गई है, ठीक है। तो ये आप देखो 1794 कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, 1.7 कीवर्ड्स कह लो, या एग्जैक्टली देखे तो 1794। अब ये हम थर्ड पार्टी टूल है SEMrush, एक थर्ड पार्टी टूल है। बाय द वे मैं SEMrush सर्टिफाइड हूँ, ये जो टूल आप लोग देख रहे हो मैं इस यहाँ से सर्टिफाइड हूँ, SEO सर्टिफाइड, और गूगल से मैं जो है एनालिटिक्स का सर्टिफाइड हूँ, ठीक है। मैं यूडीमी का इंस्ट्रक्टर भी हूँ अलहमदुलिल्लाह। तो आप लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हो ये एक प्रॉपर जो है वो प्लेटफॉर्म से ले रहे हो, कोई ऐसा नहीं ले रहे कि लाइक मैं कोई लाइक मुल्तान से हूँ तो मैं मुल्तान या पाकिस्तान बेस पे आप लोगों को SEO सिखा रहा हूँ। ये इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ही काम किया जाता है, जो मैं बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट को एनालिसिस करने में आपको टाइम लगता है, आपको नीच सिलेक्शन में टाइम लगता है। हाँ, जब क्लाइंट की साइड पे काम करते हो तो क्लाइंट ने जो दे दिया फिर उसको उसके हिसाब से आपने जो है वो उसका कट्टा छटा खोलना है, उसके एनालिसिस करने हैं, और उसके नीचे अंदर रहते हुए उसकी कीवर्ड को रैंक करवाना है। फिर बजट भी उतना क्लाइंट से लेना है, ये नहीं है कि आप क्लाइंट कहे ये मेरी नीच है बजट भी मेरा ये, ऐसे नहीं कर सकते हम। हम कोई ब्लैक हैड एसईओ नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कहता है मेरी जी होम एंड गार्डन नीच है, इतनी हार्ड नीच है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है, और कहता है जी मैं आपको $500 या $1000 मंथली दूंगा, तो वो काम हम कर ही नहीं सकते। हमने प्रोजेक्ट को जब देखना होगा, फिर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, टाइम टू टाइम आप लोगों को समझ आएगी जो मैं आप लोगों को लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे प्रोजेक्ट का बजट निकाला जाता है। तो कोई कीवर्ड मैं आप लोगों को इस कोर्स में जो बताऊंगा वो मेरी कोशिश ये होगी कि $1000 के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में आने लग जाए, जहां से आपको पैसे इतने बनने लग जाए कि वो अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करे। आप ये कहो कि $100 में आपकी साइट बन जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है, समझ आ रही है? क्योंकि आर्टिकल्स, फिर टाइम देना, फिर आपको उसकी मार्केटिंग करना, इन पे आपका टाइम भी लग रहा होगा, पैसा भी लग रहा होगा। तो इन चीजों के साथ टूल जो लोगे आप, टूल पे आपका पैसा लग रहा होगा, चाहे आप ग्रुप बाय टूल लो, ठीक है, ये इन चीजों पे पैसे लगते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप ये कहो कि आपका बिजनेस आपकी जेब के पैसों के मुताबिक हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप आज कोई दुकान खोलो, फॉर एग्जाम्पल की क्राकरी की दुकान खोलो, आपको जी मेरे पास 10,000 रुपए, मैं इससे 10,000 रुपए से काम स्टार्ट करूँ, ऐसा नहीं होता। आप जब तक वैरायटी नहीं रखोगे अपनी दुकान में तब तक वो दुकान नहीं चलेगी। आप कोई वेजिटेबल की शॉप ओपन करते हो, आप कोई फ्रूट्स की शॉप ओपन करते हो, आप कोई सीमेंट की फैक्ट्री बनाते हो, तो ये जो है प्रोजेक्ट जो होता है, कोई पैसे इन्वेस्टमेंट होती है, वो डिपेंड कर रही होती है कि हम किस नीच पे काम कर रहे हैं। ये जो सेकंड लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया है, और आज के लेक्चर में बता रहा हूँ, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गलती मत करना गलत नीच सिलेक्ट करके। ऐसी नीच आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है जिसमें कंपटीशन लेवल लो होगा। वो कैसे लो होगा वो आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। अभी हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये साइड मैंने खोल ली, राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स,
व्यू पे सोर्स करने के बाद कंट्रोल आपने एफ करना है, इजी डिजिटल डाउनलोड्स, जैसे इसने एक प्लगइन किया हुआ है इजी डिजिटल डाउनलोड्स। जेटपैक टेबल ऑफ कंटेंट्स प्लस टेबल ऑफ टेबल प्रेस। इस तरह आप लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट जिसको आप देख रहे हो उसको उसके तमाम प्लगइन्स की ऐसे लिस्ट बनानी है, और असाइनमेंट में भी एक्सेल की फाइल में ऐसे आप लोगों ने पुट करना है जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। जब थीम उसने कौन सा यूज किया, कंट्रोल है ब्लूपी डैश कंटेंट एक्स फ्रेमवर्क लेगेसी डेमियन ये जो है फ्रेमवर्क, ये कोई फ्रेमवर्क यूज किया गया, यानी कि उनका अपना पूरा सेटअप होता है, जैसे कि जेनेसिस एक फ्रेमवर्क है, इसी तरह से फ्रेमवर्क को इन्होंने यूज किया है और उसमें ये थीम जो है एग्जैक्टली थीम का नाम तो नहीं आ रहा यहाँ पे, हम मजीद देखेंगे तो थीम का नाम भी हमें पता चल जाएगा, ये एक्स थीम ही है आई थिंक सो, और वो इसका फ्रेमवर्क, इसको हम फर्दर गूगल में सर्च करवाएंगे हमें पता चल जाएगा ये क्या है, ठीक है। इस तरह आपने किसी भी प्रोजेक्ट को किसी भी साइट को आपने ऐसे उसको डिटेल में देखना है जैसे मैंने आज आप लोगों को देखा। अच्छा मेरे कोर्स का पता है आप लोगों को, एक आज के लेक्चर की आखिरी बात बताता हूँ, मेरे मेरा कोर्स सिखाने का मकसद क्या है कि आप पैसा कमाना है या आप लोगों को प्रॉपर गाइड करना है, अब ये समझना है। मैं जब इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के इस सिलसिला कार में आया तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो थे वो मुंतशिर थे, एक पूरा एक सेटअप बना हुआ था, लाइक लोग थे जो मतलब थे तो ट्रेनर्स मगर ना प्रॉपरली गाइड नहीं करते थे, खुद तो काम करते थे मगर कहते थे कि स्टूडेंट जो है किसी का नहीं होता और वो कभी किसी से ट्रेनिंग लेता है कभी किसी से ट्रेनिंग लेता है, और इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिली कि भाई हम अपने हाथ काट के दे देंगे तो हम क्या कमाएंगे, मतलब इस तरह की बातें। तो मैंने जब ये ऑनलाइन ट्रेनिंग के सिलसिला कार में आया और अल्लाह ताला हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैंने खुद बहुत ज़्यादा लर्निंग मजीद की है ताकि स्टूडेंट्स को मैं समझ सकूँ कि उनको क्या क्या परेशानियाँ स्टार्ट में आती हैं, ठीक है, जब एक ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हैं उनको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं वो मैंने सीखा, साइको समझी। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ या मैं साइकोलॉजी मेरी कुछ सब्जेक्ट्स नहीं रहे मगर मैंने साइकोलॉजी समझी। मुझे इंडिया से स्टूडेंट फ़ोन करते हैं, मुझे अमेरिका से स्टूडेंट फ़ोन करते हैं, मुझे मलेशिया से बांग्लादेश से स्टूडेंट फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि मैंने ट्रेनिंग लेनी है, मुझे आवाज़ से अंदाज़ा होता है, आवाज़ से मैं समझता हूँ कि ये इस बच्चे ने ट्रेनिंग लेनी है या ये मजाक करने आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से चीज़ों को लेकर चलता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं कहता और ना ही मैं कहने का हक रखता हूँ कि आप काम नहीं कर सकते, हर बंदा काम कर सकता है, बस क्या होता है कि कुछ लोग जो है टाइम ज़ाया करने के लिए आते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी बनाने के लिए आते हैं, ज़िंदगी तब्दील करने के लिए आते हैं। मैं जब इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के सिलसिला कार में आया तो मैंने ये तहिया किया हुआ था कि एटलीस्ट 60-70% स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो फील्ड होगी उसमें उर्दू स्पीकिंग में, यानी कि जिनको उर्दू बोलना आती है समझना आती है, उसमें एटलीस्ट 60-70% मेरे स्टूडेंट हो जिन्होंने मुझसे एसईओ की ट्रेनिंग ली हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब पहले ही कर दिया है, बहुत पहले शुरू कर दिया है। आज मुझे ट्रेनिंग देते हुए 6 साल हो गए हैं और मेरा जो मिशन था वो 2-3 साल में ही कवर हो गया था, ठीक है। तो मुझे अल्लाह ताला से कोई शिकवा नहीं है और मैं आप लोगों को एंड पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे जो नज़र है ना एसईओ की वो मैं आप लोगों के अंदर मुंतकिल करने जा रहा हूँ। पिछले 23 बैचेज में भी मैंने यही किया है, आप लोग 24वें बैच में ज्वाइन हुए हो आप लोगों के अंदर भी वही जो है वो कह लो कि जादू फूंकने जा रहा हूँ कि आप लोग वो नज़र से देख सको जो मेरी नज़र है। जब आप एनालिसिस करो तो आप लोगों को पता हो कि सर फिजान ने हमें जो बताया था ऐसे एनालिसिस करने हैं, तभी तो
उसके वीक पॉइंट्स मिलेंगे। जब कारोबार करना होता है ना, तो वीक पॉइंट्स को देखा जाता है और उन वीक पॉइंट्स को अपना यानी के मजबूत पॉइंट बनाया जाता है। समझ आ रही मेरी बात की? अपने वीक पॉइंट, जब कहीं पे सुराख होता है ना, उस सुराख को फिल किया जाता है। तो हमने अपने कंपेटिटर से ज्यादा अच्छी साइट बनाएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स काम करते हैं, तभी हमारा प्रोजेक्ट, तभी हमारी रैंक, वेबसाइट की रैंकिंग होती है। अदरवाइज गूगल को क्या जरूरत है हमारी वेबसाइट को रैंकिंग देने की? समझने वाली बात है, हम कोई गूगल के कोई कजन तो नहीं लगते, हम कोई उसके रिलेटिव रिलेटिव तो नहीं लगते। गूगल एक सेटअप है, बैकएंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप बन चुका है, वो उसी को रैंकिंग देगा जो इसके एल्गोरिथम को समझेगा। और उसके एल्गोरिथम को आज मैं दो लफ्जों में बयान करने जा रहा हूं, इसको समझना है। गूगल कहता है ऐसी वेबसाइट बनाओ कि जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड हो, कि जब उस पर कोई यूजर आए तो उसको मैक्सिमम नॉलेज वहां से मिले। अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि माइक्रो ग्रीन की, तो उसको माइक्रो ग्रीन का पूरा नॉलेज मिले। ठीक है, तो आपने जो है काम को सीरियस लेना है। हाँ, एक दूसरे की हेल्प करनी है, और आपको कुछ चीज पता है तो आपने कोई एडवांस चीज एक तो शेयर नहीं करनी है। अपने आप को जीरो पे रख के आपने कोर्स को समझना है। आपको बहुत ज्यादा यहाँ से नॉलेज मिलेगा, ऐसा नॉलेज मिलेगा जो आपको लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलना था, वो आपको इस इंशाल्लाह कोर्स में मिलने जा रहा है। आप लोगों ने एक तो लेक्चर को लाइव लेना है, चाहे लेक्चर थोड़ा सा लेट भी हो जाए, लेक्चर को लाइव लेना है, रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहना, और जो असाइनमेंट दे रहा हूँ इसको आप लोगों ने पूरा करना है। ठीक है, ये जो असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 2 है, ये नेक्स्ट थर्सडे तक मुझे मिलनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि कल आप दे दो, बट अगर आप कल तक भी बना देते हो तब भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। जरूर, अल्लाह हाफिज।